नमस्कार, खास खबर में आपका स्वागत है। खबर हिंडौन सिटी से है। हिंडौन क्षेत्र चोरी के वाहनों की खरीद फरोख्त का बनता जा रहा बड़ा गढ़। एक वाहन चोर को किया गिरफ्तार। हिंडौन क्षेत्र चोरी के वाहनों की खरीद फरोख्त का बड़ा गढ़ बनता जा रहा है। डीएसटी टीम की मिली सूचना पर नई मंडी थाना प्रभारी रामरूप मीणा के नेतृत्व में की गई कार्रवाई के कवायरदा कला से आरोपी मनोज खटीक उम्र 28 वर्ष को गिरफ्तार किया गया है। वहीं पुलिस को बड़ी सफलता मिलने पर पुलिस अधीक्षक अनिल बेनीवाल और DYSP शिवराज सिंह ने पुलिस कर्मियों को कामयाबी पर बधाई दी है। उल्लेखनीय है कि हिंडौन शहर में आए दिन वाहन चोरी की वारदातों से पुलिस विभाग की नींद उड़ चुकी है। वाहन की बाइक को स्थानीय क्षेत्र में नंबर प्लेट और चेसिस नंबरों से छेड़छाड़ कर उसे बेच देते हैं। इसकी जानकारी डीएसटी इंचार्ज यदुवीर सिंह को मिलने के उपरांत नई मंडी थाना प्रभारी रामरूप मीणा, एएसआई प्रहलाद सिंह सहित टीम ने मुलजिम के घर दबिश देकर आरोपी को दबोच लिया। वहीं उसके कब्जे से चोरी की 5 बाइक, नंबर प्लेट बदलने की डाई चेन, स्पोर्टिक सहित कई सामग्रियां भी जब्त की है। पुलिस आरोपी से गहनता से पूछताछ कर रही है। इस कार्रवाई के दौरान पुलिस कर्मियों में राजवीर सिंह, डीएसटी टीम रविंद्र सिंह, मान सिंह, परमजीत, तेजवीर सिंह आदि सम्मिलित थे। और आज की खास खबर में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए वीमार भारत TV।